हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन खाकी पर। आज मैं आपको दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताने वाला हूँ कि एज रिलैक्सेशन जो है आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैकेंसी जो है वो अभी जो RTI वायरल हो रही है उसके हिसाब से सेप्टेम्बर में आने वाली है, और जो चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि मैंने भी एक RTI लगा रखी है और अभी उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने उसके अंदर 10 से 11 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। मैंने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है कि वैकेंसी कब आएगी, कितनी वैकेंसी आएगी कैटेगरी वाइज, और एग्ज़ाम SSC लेगी या फिर दिल्ली पुलिस खुद लेगी, फिजिकल पहले होगा या बाद में होगा। तो ये सब चीज़ें मैंने पूछ रखी है, एज रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अभी उस RTI का रिप्लाई आया नहीं है, आज 18 दिन हो गए हैं और मैंने उसको 28 फरवरी को मैंने RTI लगाई थी, और आज जो है 19 मार्च है, 19 दिन हो गए हैं। पिछली जब मैंने RTI लगाई थी तो 24 दिन में रिप्लाई आया था, क्योंकि मैंने एक RTI पिछले साल लगाई थी, कुछ मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो हो सकता है अब की बार भी 20 से 25 दिन के बीच में, तो 2-3 दिन में उसका रिप्लाई भी आ जाएगा, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि वैकेंसी जो सेप्टेम्बर में ही आएंगी। वैसे तो एक RTI जो मैंने देखी है वो असली लग रही है मेरे को, तो कह सकते हैं कि सेप्टेम्बर में वैकेंसी आएगी। और एज रिलैक्सेशन जो अभी एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि एज रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, जैसे SSC GD में मिली, SSC CGL में भी मेरे ख्याल से मिली थी एज रिलैक्सेशन, तो कहीं यहाँ पर भी मिलेगी। तो इसके लिए आज मैंने एक न्यूज़ देखी, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है ये, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, नीचे थंबनेल पे मैंने लगा रखा है, दिल्ली पुलिस भर्ती की उम्र सीमा में छूट संभव, LG पर छोड़ा फैसला, कैट ने जो CAT सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उन्होंने जो है LG पर फैसला छोड़ दिया, और LG ने पहले ही बात कह रखी है कि वैकेंसी जो जल्दी से जल्दी निकालनी चाहिए, तो हो सकता है कि छूट मिल जाए। अभी मैं आपको पूरी खबर दिखा देता हूँ, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिल्ली पुलिस भर्ती की उम्र सीमा में छूट संभव, कैट ने LG पर छोड़ा फैसला। बाकी ये लिखा हुआ, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने उपराज्यपाल को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तर्ज पर दिल्ली पुलिस भर्ती में भी अधिकतम उम्र सीमा में छूट देने पर विचार को कहा है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो न्यूज़पेपर की जो न्यूज़ है आप जानते हैं कि वो फेक नहीं होती है, तो एकदम रियल न्यूज़ है ये। और नीचे इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, दिल्ली पुलिस में हवलदार और वाहन चालक बनने का मौका खोने वाले युवाओं को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण से उम्र सीमा पर बड़ी राहत मिली है। तो हो सकता है किसी ने केस कर दिया हो कि जैसे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में और कांस्टेबल ड्राइवर में एज में छूट मिली थी, ऐसे ही इसके अंदर ही मिल जाए, क्योंकि सिर्फ उन्हीं को छूट मिली थी जिन्होंने केस किया था, जिन्होंने केस नहीं किया था उनको शायद छूट नहीं मिली थी। तो अब की बार हो सकता है सभी को छूट मिल जाए, तो ये एक अच्छी बात है जो कैंडिडेट ओवर एज हो गए हैं। ये देखिए, प्राधिकरण के सदस्य आनंद माथुर और मनीष गर्ग की पीठ ने दिल्ली पुलिस 2022 में शामिल होने वाले करीब 300 युवाओं की याचिकाओं का निपटारा, अब ये क्या लिखा है यहाँ पे पता नहीं, कुछ छुप गया है, यह फैसला दिया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वही केस है कि कुछ बच्चों ने केस किया था पिछली बार, तो उन्हीं के भी यहाँ पर भी छूट मिल सकती है। तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके लिए, अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आने वाले टाइम में आपको ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और कई बच्चे कह रहे थे कि RTI का रिप्लाई आया या नहीं आया, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे अभी आया नहीं है लेकिन फिर भी मेरा दिखाने एक बार फ़र्ज बनता आपको दिखाने का। ये देखिए आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, 28 फरवरी को मैंने RTI लगाई थी, 1 मार्च को ये RTI जो है CPIO के पास फॉरवर्ड कर दी गई थी, और 2 मार्च से इसका जो स्टेटस है वो अंडर प्रोसेस ही है, अभी तक इसका कोई रिप्लाई नहीं आया है। ठीक है, और पिछली RTI में आपको बता ही रहा था कि मैंने लगाई थी 26 को लगाई थी एक पहले, उसका रिप्लाई 22 को आया था, यानी 1 महीने 4 दिन कम, 26 दिन के आसपास, 25-26 दिन के आसपास आया था। तो अब की बार भी ऐसी उम्मीद है कि आएगा, दिल्ली पुलिस थोड़ा लेट रिप्लाई करती है RTI का। तो ये मैंने आपको न्यूज़ दे दी है, और जैसे वो RTI आएगी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, वैकेंसी से रिलेटेड भी। वैसे तो सितंबर में ही आएगी जब इतने सारे बड़े बड़े टीचरों ने वीडियो बनाया है, और जो RTI वायरल हुई अभी एक दो और आई है नई नई RTI, तो वो मुझे जेन्युइन RTI लग रही है, वो मेरे को फेक नहीं लग रही है। लेकिन जो मई में RTI आई थी
कि मई 2024 में फिजिकल होंगे, वो तो मुझे लग रहा है वो ठीक नहीं आरटीआई, वो फेक आरटीआई है उसका। जो आप देख सकते हैं जो फॉर्मेट है, मैंने दिखाई भी थी पिछली वीडियो में, उसका जो फॉर्मेट है वो भी ठीक नहीं है, और नाम वगैरह कुछ नहीं लिखा हो उसके ऊपर, इंग्लिश भी उसमें गलत लिखी हुई है, पूरी लैंग्वेज उसकी गलत है। और सबसे बड़ा है कि उसमें ना फॉर्मेटिंग इशू बहुत बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मुझे फेक लग रही है। और फिजिकल से कभी भी हो, पहले तो रिटर्न होगा, और रिटर्न जो है आपका बहुत जल्दी हो जाएगा, जैसी वैकेंसी आएगी, चाहे सितंबर में भी वैकेंसी आए तो अक्टूबर में आपका रिटर्न हो जाएगा। और चैनल से नए जुड़े तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि इतने कम समय में अगर आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, अगर आप सिर्फ वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, जब भी पढ़ेंगे, तो फिर दिल्ली पुलिस जैसी नौकरी नहीं मिलने वाली। उसके लिए आपको पहले से तैयारी करके रखनी है। आप ये भी जानते हैं कि 2020 में जिन कैंडिडेट्स का रह गया था, ज़्यादातर वही बच्चे सेलेक्ट होंगे, क्योंकि उनकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, तो उनके साथ आपको कम्पीट करना है, तो अभी से आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी होगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए, ऑल द बेस्ट।